दिस इज बर्नाली एंड वेलकम टू बरूस किचन। और आज हम बनाने वाले हैं ओरियो चॉकलेट केक। चलिए मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी को कैसे फॉलो करना है। बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा दें। ओरियो केक बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट, वो तो ऑब्वियस है। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ओरियो बिस्किट ले ली हूँ। मैं बिस्किट से क्रीम को अलग कर रही हूँ, आप चाहे तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर देता है इसलिए मैंने क्रीम को अलग कर दिया। इसी तरह से हम सारे बिस्किट्स के क्रीम को निकाल लेंगे और सारे बिस्किट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर देंगे। जैसे ये हाफ क्रश हो जाए हमें इसे एक मिक्सर जार में डाल देना है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये ग्राइंड हो चुका है, देखिए मस्त पाउडर सा बन गया ना। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 कप मिल्क। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालना है ताकि हमें इसका कंसिस्टेंसी का पता चल जाए, और अगर लगे तो आप बाद में और भी दूध ऐड कर सकते हैं इसमें। ये बहुत ही ज्यादा थिक है तो अब हम इसमें और दूध ऐड करेंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और एकदम क्रीमी सा टेक्सचर लेके आना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा केक मिक्स बनके तैयार है। अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे। उसके लिए हमने ले लिया एक केक टिन और इसे तेल से ग्रीस कर देंगे। उसके ऊपर हम एक बेकिंग पेपर डाल देंगे। अब हम इसमें केक का मिक्सचर डाल देंगे और इसे बेक करने के लिए रख देंगे। केक के मिक्सचर को इवनली शेप दे देना है और अब हम इसे डाल देंगे ओवन में। हम ये केक ओवन में बना रहे हैं, वो भी 5 मिनट में। अब हमने सिलेक्ट कर लिया माइक्रो 900 टेम्परेचर में और 5 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में। अब बस हमें 5 मिनट का वेट करना है और ये ऑलमोस्ट होने वाला है। सो लेट्स सी। ओ माय गॉड, इट इज एक्चुअली लुकिंग ऑसम। ये कंप्लीट बेक हो चुका है और स्पॉन्जी भी दिख रहा है। अब हमें इसे डेकोरेट करना है, वो भी चॉकलेट से, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं ओरियो चॉकलेट केक। इसे उल्टी तरफ से पलट दे और थोड़ा सा टैपिंग एंड देन इट्स रेडी। अब ये बेकिंग पेपर इसमें से हटा लेंगे हम और इसके ऊपर अब हम डालेंगे चॉकलेट मिक्स और इसे चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। जैसे ये हो जाए अब हम डालेंगे इसमें लिक्विड चॉकलेट। लिक्विड चॉकलेट हॉट होना चाहिए तो आप इसे गर्म कर ले। और हमने इसमें चारों तरफ से इवनली लिक्विड चॉकलेट डाल दिया है। अब देखिए ये मस्त दिख रहा है, राइट। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। उसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट और जिसको मैं थोड़ा सा शेप देने के लिए इसे पील कर रही हूँ। अब हमें इसे चारों तरफ से डाल देना है ताकि ये बहुत अच्छा दिखे। और इसी तरह से हम चॉकलेट केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहे तो कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें चेरी डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने यहाँ पे ली हूँ ओरियो बिस्किट और इसे बहुत अच्छे से सजा ली हूँ और इसमें मैंने डाला है चेरी एंड चॉको चिप्स। हमारा ओरियो चॉकलेट केक बन के तैयार है और अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ इसे खाने। ये देखिए मैंने एक पीस कट कर लिया है और ये बहुत ही फ्लफी सा है।
दिस इज जस्ट परफेक्ट। आप इसे इजीली 5 मिनट्स में बना सकते हैं। ट्राई कीजिए आप ये मेथड घर पे और मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई फीडबैक देना है या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।